हेलो एवरीवन, वेरी मच गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी मच वेलकम टू द निम्बस ऑन प्लेटफॉर्म। तो आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं और आप सबकी प्रिपरेशन जो है ठीक ठाक चल रही है प्रीलिम एस्पेक्ट से। तो आज का जो टॉपिक है हमारा अभ्यास सीरीज का हिमाचल प्रदेश जीके से, वो है माउंटेन पासिस एंड पीक। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपसे रिवर सिस्टम के ऊपर जो है वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और साथ में इससे पहले फिजियोग्राफी और हिमाचल प्रदेश की टॉपोग्राफी के ऊपर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखिए, ये आपके लिए ये जो सीरीज़ है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल ये रहने वाली है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे जो भी एक्सपर्टाइज है और जिस तरह का ट्रेंड अब आजकल चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन कमीशन पूछ रहा है, उन सब एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। हर एक इंपॉर्टेंट की एरियाज के ऊपर जहाँ पर से क्वेश्चन कमीशन पूछ सकता है, वो मैं अपने वीडियो के थ्रू, अपने क्वेश्चन के थ्रू आपके सामने लेके आ रहा हूँ, राइट। और ये हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इसलिए हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए और हमें ये चीज़ जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरह के बन सकते हैं। अब जैसे माउंटेन पासिस और पीक्स का ये टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अब आपसे ये नहीं पूछेंगे, वो टाइम गया कि आप आपसे पूछेंगे कि माउंटेन कोई पीक है, कोई माउंटेन पीक है वो किस जिले में है। मान लो आपसे पूछ लें कि दीबी बोकड़ी पिरामिड किस जिले में है, एग्जैक्टली अब डायरेक्टली अब वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, कुल्लू जिले में। लेकिन क्या आपको पता है कि दीबी बोकड़ी पिरामिड और हरमन टिब्बा ये नॉर्थ साउथ में अगर हम देखें इनको, ये कहाँ जैसे लोकेटेड है? दीबी बोकड़ी पिरामिड जो है वो साउथ में लोकेटेड है, हरमन टिब्बा के ये नॉर्थ में लोकेटेड है। ये पार्वती पर्वत है, ये नॉर्थ में लोकेटेड है, दीबी पोखड़ी के ये साउथ में है। तो क्या हमें लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी सब चीज़ों के बारे में पता है? माउंटेन पासिस के कंटेक्स्ट में भी आपसे लैटिट्यूड के एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कुकटी पास आपने सुना है, आपने छोबिया पास भी सुना हो, या छोबिया पास और कुकटी पास तो कौन किसके नॉर्थ में है? कुकटी नॉर्थ में है छोबिया के, या छोबिया नॉर्थ में है कुकटी के? तो क्या आपको नॉर्थ साउथ के कंटेक्स्ट में चीज़ों को पता है या नहीं पता है? आपकी कितनी मास्टरी है माउंटेन पासिस के ऊपर और पीक्स के ऊपर? तो एग्जैक्टली क्वेश्चन के थ्रू मैं वो चीज़ लेके आना चाहता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं पुट इन करूँगा। आई होप कि ये बाद आपकी कमांड पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कवर हो जाएगी। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जिन टॉपिक को मैं पकड़ रहा हूँ, जिन टॉपिक्स को लेके मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आपकी टॉपिक्स को लेके अच्छे से रिविजन हो जाए, अच्छे से कमांड बन जाए, हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है हमारा माउंटेन पासिस एंड पीक से, ये सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने दी हैं, आपने बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है लॉर्ड एल्गिन वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट बरा लाचाला पास, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ माउंटेन पासेस तो उतने फेमस रहते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे बारा लाचाला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, साच पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंजुम पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पास रोहतांग पास बहुत पुराना माउंटेन पास है। तो इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी ऐसे हो जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर सबसे पहले जो है रोहतांग पास आया, तो उसी के कंटेक्स में ही यहाँ पे एक और पर्सनैलिटी जैसे गवर्नर जनरल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, लॉर्ड एल्गिन के बारे में पूछा गया कि ही वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट बड़ा लाचाला पास। क्यों बड़ा लाचाला पास गया है? क्या आपको ये पता है कि वो बड़ा लाचाला पास गया है कि नहीं गया? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताना है आपने। और फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच रोहतांग पास वॉज विलियम मुल्टा, हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर ऑनलाइन होती तो मैं आपसे एग्जैक्टली देख लेता कि कौन किसका जवाब दे रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन भी आने वाला हूँ, मतलब डायरेक्टली हम जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच रोहतांग पास वाज विलियम मुल्टा। थर्ड है बड़ू पास जो है इज वेरी विंडी रफ एंड स्टीप पास लोकेटेड अक्रॉस पीर पंजाल, और यहाँ पे थोड़ा ये ढक चुका है। हिस्टोरिक केव अर्जुन गुफा लोकेटेड अक्रॉस द कुंजुम पास, कुंजुम पास लिखा हुआ है, ठीक है, कुंजुम पास। तो अब देखो पहली स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो बड़ा लाचाला पास कभी भी जो है वो आपका ये एल्गिन ही गया, ये गया है तो आपका पहला गवर्नर जनरल है जो रोहतांग पास इसने विजिट किया था, तो आपने इस कंटेक्स्ट में इसको ध्यान रखना है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। सेकंड है फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच रोहतांग पास विलियम मूलक्राफ्ट, मतलब कोई यूरोपियन कोई ट्रैवलर था जो सबसे पहले रोहतांग पास गया वो विलियम मूलक्राफ्ट ही था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। रोहतांग पास में लोकेट करूँ तो रोहतांग पास आपका यहाँ पे है, और बड़ा लाचाला भी पूछा गया है तो बड़ा लाचाला पास आपका इस जगह पे बड़ा लाचाला पास आता है, जो कि डायरेक्ट हमें लाहौल की और लेह की कनेक्टिविटी करता है। रोहतांग पास मनाली और ये लेह वाला हाईवे है, उसमें रोहतांग पास भी आता है और आपका जो है वो बड़ा लाचाला पास भी आता है। और एग्जैक्टली ध्यान रखना रोहतांग पास को हमने बाईपास कर दिया क्योंकि अटल टनल अब बन चुकी है, ठीक है। सो यहाँ जैसे इसकी लोकेशन है। और वरु पास कहाँ पे है? वरु पास की लोकेशन मैं बताऊँ आपको, तो ये पालमपुर वाले रीजन से हम वरु पास को अप्रोच कर सकते हैं, हम भरमौर वाले रीजन में जा सकते हैं, तो ठीक है, ये आपका चंबा और
या यू कैन सी दैट भरमौर और कांगड़ा की जो है कनेक्टिविटी करता है बरू पास, ये विंडी बिल्कुल है, रफ भी बिल्कुल है, स्टिफ भी बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे तो पीर पंजाल चलती नहीं है, यहाँ पे आपकी माउंटेन रेंज कौन सी है, यहाँ पे जो माउंटेन रेंज चलती है दैट इज योर धौलाधार, ठीक है, पीर पंजाल तो आपकी ऊपर चलती है, पीर पंजाल तो आपकी कोई इस तरह से चलती है, ठीक है, सो धौलाधार इसका सही जो है वो पार्ट होगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ये स्टेटमेंट होगी सेकेंड वाली, ये ठीक होगी, और फोर्थ स्टेटमेंट है हिस्टोरिक केव जो अर्जुन गुफा लोकेटेड अक्रॉस द कुंजुम पास, ये भी गलत है, कुंजुम पास नहीं है ये, माउंटेन पास आपका हमटा पास है, अगर आपने माउंटेन पास को अच्छे से स्टडी किया तो वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप मनाली से हमटा पास को अप्रोच करोगे ना तो आपका जो सबसे पहले जो ये जो चीज़ आती है, जगह आती है, वो एक जगह आती है अर्जुन गुफा करके, बड़ी हिस्टोरिक केव है, ठीक है, अर्जुन गुफा वो आती है, फिर आगे फर्दर करके माउंटेन पीक्स आते हैं, इंद्रासन आता है, आप इंद्रासन, इंद्र किला, दियो टिब्बा, इस तरह के माउंटेन पीक्स आते हैं, फिर आप हमटा पास पहुंचते हो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हुई, गलत हुई, तो इजी है ये, अब स्टेटमेंट सेकंड ओनली इसका जो है होना चाहिए आंसर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि पहली जो स्टेटमेंट वो भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, और करेक्ट पूछा हुआ है तो सेकंड ओनली इज द राइट आंसर। आई होप यू गॉट द थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पता लगे होंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिगड़ी पीक इन ऑल इट्स ग्रैंडियर इज सीन राइट इन द फ्रंट ऑफ कुंजुम पास, ये भी यहाँ पे आपने बताना है जो करेक्ट है, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट की मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रुक जाऊँ, ठीक है, तो शिगड़ी पीक बिल्कुल सामने दिखती है, फुल दिखती है, अगर हम कुंजुम पास में पहुंच जाए तो पूरी हमें सामने दिखाई देती है, और अगर कुंजुम पास को लोकेट करो तो कुंजुम पास आपका यहाँ जैसे है और यहाँ जैसे ये पीक आ जाती है, दैट इज शिगड़ी पीक, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कुंजुम पास जब भी पढ़ते हो ना आप तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और कुंजुम पास के बारे में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, देखो ये कुंजुम पास जो है ये आपका अगर मनाली से अगर हम जा रहे हैं, कंसीडर करो मनाली से अगर हम जा रहे हैं स्पीति जा रहे हैं, कांजा जा रहे हैं, ठीक है, तो जो रोड आएगा रोहतांग पास की बिल्कुल इमिडिएटली जो एक जगह आती है उसका नाम है ग्रामफू, ग्रामफू से डाइवर्जन होती है, मतलब अब आपके पास कंसीडर करो ये मनाली है, दिस इज मनाली, यहाँ मैं अच्छे से थोड़ा बताता हूँ आपको, कंसीडर टू बी इट इज मनाली, ये मनाली है और मनाली से ये फर्दर मान लो कि ये रास्ता चला गया अटल टनल के लिए और ये चला गया घूम फिर के रोहतांग पास, और रोहतांग पास से फर्दर आगे पहली एक जगह आती है, एक नाम है उसका, नाम है ग्रामफू, ग्रामफू ऐसे भी लिख देते हैं कई बार हम GRAMPHU ग्रामफू, और फिर ग्रामफू से डाइवर्जन होती है, इधर वन कैन गो टू खोक्सर, खोक्सर और फर्दर सिसु, आपको पता होगा यहाँ पे अटल टनल जो है सिसु वाले एरिया में जाके यहाँ पे फर्दर हमें पहुंचाती है, तो यहाँ पे पीछे गांव आता है खोक्सर, ठीक है, तो खोक्सर जो है वो आपका ग्रामफू से आगे पड़ता है, तो ग्रामफू से क्या है कि आप इधर वन कैन गो टू खोक्सर और केलोंग जा सकते हैं और इधर वन कैन गो टू स्पीति काजा, तो उस रोड पे हम कहते हैं कि ग्रामफू और फर्दर लोसर करके की मोनास्ट्री करके फिर फर्दर काजा आता है, काजा से बाद फिर टापो आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मैप में, तो देखो ये इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से चला गया रोड, ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट जो ये रूट है इसको बोलते हैं ग्रामफू काजा सुमदो रोड, सुमदो, तो सुमदो आपका यहाँ जैसे है, यहाँ इस जगह पे है सुमदो, इस जगह पे लास्ट जहाँ पे फिर फर्दर जो है वो ये गाँव आता है जहाँ पे फिर फर्दर आप फिर बाद में किन्नौर में एंटर कर जाते हो, ये जो रूट है ये बाद में हिंदुस्तान तिब्बतन रूट से मिल जाता है आगे फर्दर, ये हिंदुस्तान तिब्बतन रूट जो आपका है, ठीक है, इसे मिल जाता है, तो यहाँ पे स्पीति नदी भी अलॉन्ग चलती चलती रहती है इस रूट में, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था इसका नाम है ग्रामफू, एक जगह खास है, और यहाँ से इधर वन कैन गो टू केलोंग, इधर वन कैन गो टू काजा, और यहाँ पे मान लो कि काजा है और यहाँ पे क्या है एक सुमदो करके एक खाता है, तो ग्रामफू काजा सुमदो रोड है, उसके साथ में यहाँ पे पड़ता है, बीच में पड़ता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट माउंटेन पास, दैट इज कुंजुम पास, और कौन सी माउंटेन रेंज है ये कुंजुम पास, ये है आपकी ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये जो कुंजुम पास है वो ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज में आता है, ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको यहाँ से कुंजुम पास से जुड़ी हुई बातें जो थी वो पता लगी, तो शिगड़ी पीक यहाँ से दिखती है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नेक्स्ट माउंटेन पास है मणिरंग पास, लोकेटेड अबव द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रोपा एंड, ये आपके चुपटा इंजन रेवलेट्स है, एक रिवर का नाम यहाँ पे छुट्टी रिवर का नाम बताया है, ठीक है, तो रोपा भी नदी तो बड़ी फेमस है, ये शायद आपने नाम जो है वो ना ही सुना होगा चुपटे अंजन, ठीक है, तो ये रोपा रिवलेट्स जो है ना इसका, इनका जो ये इन दो नदियों का जो स्ट्रीम का जो कॉन्फ्लुएंस है
कहते हैं कि उसके ऊपर लोकेटेड है मनरंग पास। ये बेस्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहाँ मैं उसको लोकेट करूंगा, देखो मनरंग पास के ऊपर फोकस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मनरंग पास आपका यहाँ जैसे है, इस जगह पे है, और फर्दर पर्सन जो है वो स्पीति जो है जा सकता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो किन्नौर के लोग होते थे वो यहाँ पे स्पीति में जाया करते थे, ठीक है, बाई द मनरंग पास। अब तो रोड यहाँ पे बन चुके हैं, तो यहाँ पे नदी है आपकी, जो आपकी जो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज रूपा। और यहाँ पे एक और स्ट्रीम यहाँ पे बताइए, चुपटा यंजन, ठीक है, ये भी रिवर जो है छोटी सी रिवर है, होगी इनका कॉन्फ्रेंस होता हुआ, इसके ऊपर मनरंग पास है, ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सो नेक्स्ट इज ये शिंगौर पास जो है इज अप्रोच्ड फ्रॉम अलायस लाइंग बियॉन्ड द धर्मशाला। तो शिंगौर पास जो है ना, ये आपका इसको किलर पास भी बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन विद द नेम किलर पास, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने शिंगौर पास का, ये पालमपुर से भी आप अप्रोच कर सकते हो, धर्मशाला की साइड से भी अप्रोच कर सकते हो। तो ये यहाँ जैसे मैं इसको लोकेट करूंगा शिंगौर पास को। इसको किलर पास इसलिए बोलते हैं बिकॉज कहते हैं कि इस जब भी हम इस पास के थ्रू जाते हैं तो ना पानी और ना कहीं इस किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं है जो इमीडिएटली आपको मिल जाती है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। तो आपके यहाँ का वेदर भी फटाफट जो है सडनली चेंज हो जाता है, तो कैजुअलिटी होने के भी चांसेस रहते हैं, तो इतना टफ ये पास माना जाता है शिंगौर पास, तो ये इसको किलर पास भी बोलते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इस जगह पे ना, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कुछ माउंटेन पासिस हैं यहाँ पे, जो हुक्सी आपको दिख रही है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है मीन कियानी। यहाँ पे अगर हमने करेरी लेक जाना है, करेरी लेक से हमने लामा डल लेक जाना है, तो वी विल फॉलो द मीन कियानी पास। तो मीन कियानी है, मीन कियानी के नीचे आता है आपका गज पास, यहाँ पे आपका गज पास भी है, गज पास। तो मैं इसी चीज को यहाँ जैसे आपको थोड़ा बताता हूँ क्लियरिटी के साथ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपके पास रीजन है, दिस रीजन इज देयर, इस रीजन में जो धौलाधार वाली जो माउंटेन रेंज है, कौन कौन से माउंटेन पासेस पड़ते हैं, देखो ध्यान से। पहले तो आपका सबसे पहले यहाँ जैसे मैं लोकेट कर देता हूँ, यहाँ मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका जो हुक्सी है, सबसे पहले मीन कियानी पास। ये मैं चल रहा हूँ वेस्ट टू ईस्ट। मीन कियानी के बाद आपके पास यहाँ पे माउंटेन पास एक और है, गज पास, मतलब ये गज पास मैंने यहाँ लोकेट कर दिया। गज पास के बाद भीम गस्तूरी पास आ जाता है। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इस इन पर्टिकुलर माउंटेन पासिस को बताओ, वही वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, तो क्या आपको पता है कि सबसे पहले मीन कियानी पास आता है, फिर उसके बाद जो है गज पास आता है। ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हैं, कमीशन आगे जाके लेवल हाई कर रहा है, पूछ सकता है कि आपको लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी चीजें पता है या नहीं पता, ठीक है। अब देखो भीम कस्तूरी के बाद यहाँ पे एक माउंटेन पास है इंद्रहार, जो कि त्रियुंद से हम अगर जाते हैं, त्रियुंद का ट्रैक करते हैं, तो आगे जाके भरमौर के रीजन में जाना, तो हमें माउंटेन पास मिलेगा इंद्रहार, ठीक है। उसके बाद इंद्रहार के बाद आपके पास बड़ा फेमस पास जो पालमपुर वाले रीजन से हम करते हैं, दैट इज वरू पास। वरू के बाद यहाँ पे जालसू पास एंड देन फर्दर निखोरा पास, ऐसे कुछ माउंटेन पासेस भी आते हैं। और यहीं पे वरू और जालसू के आसपास यहाँ पे आपके पास क्या है, शिंगौर पास भी है, शिंगौर, और एक तलंग पास भी है, तलंग। तो शिंगौर तलंग जो है ये पालमपुर वाले रीजन से हम इन पासेस को अप्रोच कर सकते हैं, मतलब पालमपुर से नजदीक है। ये स्टेटमेंट जो है ये एक्चुअली अलियास करके जो जगह है ये भी यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है लास्ट, छेनी पास इज वेरी नियर टू द मिंधल विलेज ऑफ पांगी, या नीचे पांगी लिखा था, ये पांगी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये छेनी पास को लोकेट करो तो यहाँ आ जाता है छेनी पास, जहाँ से हम मिंधल ऊपर आ जाता है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कुछ माउंटेन पास है ना, इस रीजन पे मैं बात कर रहा हूँ, इस रीजन पे एक आपका छेनी आपने ध्यान रखना है, छेनी पास, और साथ में आपने ध्यान रखना है द्राटी पास, और द्राटी पास के नॉर्दर्न साइड को आता है छेनी पास, और छेनी से जो है वो मिंधल जो है आपके पास ये इंपॉर्टेंट टाउन जो है आता है, नजदीक है मतलब छेनी पास के, ठीक है। पहले किसी समय पे एक राजा हुआ करते थे पृथ्वी सिंह चंबा के, तो जब उन्होंने वापिस चंबा को लिया था, क्योंकि जो जगत सिंह थे नूरपुर, उन्होंने चंबा को कंट्रोल कर लिया था, और सुकेत में पले बड़े थे पृथ्वी सिंह। अगर मे बी अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से जानते हैं, अगर आपने हिमाचल की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, आगे मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जब हिस्ट्री सेक्शन में पहुंचूंगा, ठीक है। तो पृथ्वी सिंह जो चंबा के राजा थे, भावी राजा थे, उन्होंने चंबा को रिगेन किया था फ्रॉम जगत सिंह ऑफ नूरपुर, ठीक है। तो उन्होंने छेनी पास यूज किया था ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आए थे वो रोहतांग पास से होते होते यहाँ से आए थे, फिर चुरा आए थे, फिर चंबा उन्होंने रिगेन किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। तो क्या बोला है, करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है सही है, यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं आएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ऑल ऑफ दिस, सारी की सारी स्टेटमेंट जो क्या होंगी सही है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है।
सब सही है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ से आपकी नॉलेज टेस्ट हो गई कि आपको एग्जैक्टली लोकेशन पता भी है इन माउंटेन पासेस की या नहीं पता है, ठीक है। अब ये बहुत ही ऐसे हैं माउंटेन पासेस जो बड़े, मतलब यू कैन से दैट कि पॉपुलर हैं माउंटेन पासेस, जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए वो कहाँ लोकेट करते हैं। तो देखिए चंद्रखणी पास बड़ा फेमस है, पहले बता दूँ आपको चंद्रखणी पास किस किस को कनेक्ट करता है, पहले ही आपको पता होना चाहिए, मलाना वैली को और नगर वैली को आपस में कनेक्ट करता है। लोकेट करूँ मैप में तो कहाँ आएगा कि आपका यहाँ जैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेम्पुला पास, टेम्पुला पास ये भी बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। ये कहाँ जैसे आएगा, ये आपका यहाँ जैसे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। इधर वन कैन गो टू भागा, इधर वन कैन गो टू चंद्रा, तो चंद्रा और भागा वैली को कनेक्ट करता है भाई ये आपका टेम्पुला पास। वन कैन अप्रोच टू खुकसर आल्सो, इसके साउथ में खुकसर है, टेम्पुला पास के साउथ में क्या है, खुकसर गाँव आता है खुकसर। और इसके नॉर्थ में क्या आता है, टेम्पुला के नॉर्थ में आ जाता है जो भागा वैली का इंपॉर्टेंट टाउन है, दारचा। कीप इन द माइंड, ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। और टेम्पुला पास को हम और कैसे अप्रोच कर सकते हैं, एक नदी है यहाँ पे, एक नदी है जो कि बड़ी पॉपुलर नदी है। अगर आपको रिवर सिस्टम अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो वहां पे मैंने बताया कि भागा की ट्रिब्यूटरीज हैं, दो नदियां जो है वो दारचा में मिलती हैं, भागा भागा नदी को, एक तो जांसकर शिंगोला पास से आती है, दैट इज जांसकर स्ट्रीम, एक आपकी जो है वो टेम्पुला पास से आती है, दैट इज आपकी योशे स्ट्रीम, योशे। इसको लोकेट करूंगा मैं यहाँ पे, मान लो कंसिडर टू बी भागा, ये भागा है, ठीक है। तो एक रिवर शिंगोला पास से आती है, एक आती है आपकी टेम्पुला पास से। अगर आप मैप को अच्छे से देखेंगे तो वन इफ वन फॉलो द रूट ऑफ योशे स्ट्रीम, तो उसके बाद क्या होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है दैट रीच टू द बेस ऑफ द टेम्पुला पास, राइट। तो ये आपने टेम्पुला पास से ध्यान रखना है। तो टेम्पुला पास आपका कहाँ पे, हियर इट इज, ये टेम्पुला पास है, टेम्पुला यहाँ पे क्या है, ये वाला चंद्रखणी जो कि नगर और मलाना को जोड़ता है, चंद्रखणी पास। उसके बाद ये जलोड़ी, जलोड़ी तो ये तो बहुत ही पॉपुलर है, इनर सराज और आउटर सराज को करता है, ये आपका इनर सराज हो गया या आउटर सराज हो गया, इनर हो गया या आउटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जलोड़ी। उसके बाद क्या बोलेगा, साच, साच यहाँ पे आ जाएगा सबसे ऊपर, जो चंबा और पांगे को कनेक्ट करता है, हियर इट इज अ साच, ठीक है। इवन आपको जो बड़े फेमस माउंटेन पास है इनके एलिवेशन भी बताना चाहिए, इनके एलिवेशन को लेके भी एग्जामिनर आपको घुमा फिरा सकता है कि बताओ भाई असेंडिंग ऑर्डर में इन माउंटेन पासेस को अरेंज करो इन द कंटेक्स्ट ऑफ एलिवेशन। मतलब जो कुछ बड़े खास माउंटेन पासेस हैं, कुंजुम पास, रोहतांग पास, बारालाचला पास, साच पास, इनका आपको पता होना चाहिए कि एलिवेशन क्या है। शिंगोला पास जो कि अब हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास बन चुका है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन द माइंड। तो यहाँ पे अब आपको पता लग ही रहा होगा कि सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे अगर हम यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ चल रहे हैं, सबसे साउथ में कौन सा है, जलोड़ी, जलोड़ी आ जाएगा सबसे साउथ में, तो मतलब ये तीसरे नंबर पर है। उसके बाद साउथ में आ गया आपका, साउथ नॉर्थ चल रहा है तो फिर चंद्रखणी आ गया, चंद्रखणी आपका जो नंबर वन पे है। उसके बाद फर्दर आपका टेम्पुला पास आएगा, फिर साच आएगा, टेम्पुला पास जो है नंबर दो पे है, एंड देन आफ्टर दैट साच, 3, 1, 2, 4। तो सही आंसर इसका जो है सी है। सो ये इजी था, मेरा मानना तो ये इजी था, ठीक है। आप अगर आपको मुश्किल हो रही है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप अपनी मैपिंग अच्छी से कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल करेक्ट रिगार्डिंग द माउंटेन पीक्स। ये माउंटेन पीक्स आ गई, अब मनरन पीक कह रहे हैं कि इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एचपी आफ्टर द रियू फर्गिल। अब आप थोड़ा देख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है, कि जो टॉप फाइव माउंटेन पीक्स है हमारी वो कौन कौन सी है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, मनरन पीक नहीं है। उसके बाद आपके पास एक गया पीक भी आती है, गया पीक का एलिवेशन जो है वो 6700 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो गया पीक ज्यादा ऊंची है मनरन से, मनरन का पीक आपकी यहाँ पे है, दिस इज द मनरन, मनरन, और इसका एलिवेशन आपका 6600 मीटर के आसपास है, ठीक है। मैं राउंड फिगर से मैं ले रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। और गया पीक जो है दैट इज लोकेटेड हेयर, और इसका 6700 मीटर के आसपास है, और रियो पर्गल का इट इज लोकेटेड हेयर, रियो पर्गल जो है 6815 मीटर के आसपास है। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मंडरंग पीक इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन किन्नौर, ये तो हमने देख ही लिया कि किन्नौर में नहीं है मंडरंग पीक, मंडरंग पीक जो है वो किन्नौर की ही है, ये आपके पास लाहौल स्पीति में। कई बार ना हमें इस चीज में भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मंडरंग पास तो है किन्नौर और स्पीति को कनेक्ट करता है, मंडरंग पीक जो है इट इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति के कौन से रीजन में है, स्पीति रीजन में। नेक्स्ट, एलिवेशन ऑफ मनरिंग पीक इज अराउंड 6597 मीटर। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 600 मीटर के आसपास, 6597 और 6600 मीटर के आसपास है ये
ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, ठीक है, और ये गलत होगी, ये भी गलत होगी, तो थ्री ओनली स्टेटमेंट अगर करेक्ट पूछी हुई है तो थ्री ओनली इज द राइट आंसर। फाइन, और कुछ इस क्वेश्चन के से कुछ और कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि हाँ ये ओल्ड रूट हुआ करता था मनेरिंग पास, ठीक है, किन्नौर से स्पीति जाने के लिए, और यहाँ पर कुछ इस इन जगहों पे ऊपर जो कुछ माउंटेन पीक्स हैं कुछ बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपकी ये रालदंग रेंजेस है, यहाँ पे रालदंग पीक भी आती है जो आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंजेस है उन्हीं का ही पार्ट है ये रालदंग पीक। किन्नर कैलाश भी आपकी यहाँ आती है, ठीक है, और यहाँ पे जो जो जांस्कर रेंजेस है इसमें तो गया पीक भी जांस्कर में आ रही है, मनेरंग भी यू कैन सी दैट कि नियर बाई जांस्कर ही है, और लेकिन रियो पर्गिल जांस्कर में आ जाती है, और यहाँ पे गैंगशुआ करके भी आती है, गैंगशुआ माउंटेन पीक, गैंगशुआ ये भी आती है, ये भी आपकी कहाँ पे आ जाती है, ये आपकी जांस्कर में आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ माउंटेन पीक जो यहाँ पे लोकेटेड है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि मैच करना है फॉलोइंग को, ठीक है, तो ये जैसे कि चंबा है, कुल्लू है, किन्नौर है, और ये स्पीति है, थोड़ा पैटर्न आगे पीछे हो गया है, ठीक है। सो इंद्रासन, मुल्किला, रालदंग, गौरी देवी का टिब्बा। रालदंग के बारे में अभी हमने बात की, रालदंग कहाँ पे है, यहाँ पे लोकेट करूँगा रालदंग, ठीक है, ये रालदंग रेंजेस भी बोलते हैं और रालदंग पीक भी है, तो कहाँ पे है, किन्नौर में है, किन्नौर में कहाँ पे है, बसपा वैली की नॉर्दर्न साइड को है, बसपा वैली की नॉर्दर्न साइड को है, ठीक है, तो और ये काफ़ी सीक्रेट मानी जाती है रालदंग पीक, तो ये किन्नौर में है, सी का तो यहाँ पे 3 बन रहा है, ठीक है। और इंद्रासन तो मैंने आपको बताया, अगर हम हमटा पास हमने जाना है, मनाली से हमटा पास जाना है, तो हम इंद्रासन हमें मिलेगी, दियो टिब्बा हमें मिलेगी, इंद्र किला हमें मिलेगी, ठीक है, तो कुल्लू में है, ठीक है, हमटा पास कुल्लू और चंद्रा वैली को कनेक्ट करता है, तो इंद्रासन तो कुल्लू में है। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फिर भी कमीशन ने लेवल राइज कर दिया, शायद ऐसे क्वेश्चन जो है वो ना भी बने, लेकिन फिर बन भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, तो मैंने ये पुट इन कर दिया है कि इस कंटेक्स्ट में भी आपने देखना है कि इस कंटेक्स्ट में भी बन सकता है, एटलीस्ट होप, तो ये तो पता ही होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये नहीं पता कि इंद्रासन जो है किस जिले में है, क्योंकि जिलों का तो हमें एग्जैक्टली पता होना ही चाहिए, राइट। तो हमने लेवल राइज कर देना है इससे कि और क्या पूछ सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकते हैं, तो वो इस कंटेक्स्ट में पूछ सकते हैं कि आपको लोकेशन पता है एग्जैक्टली या नहीं पता, तो मैं बार बार आपको उसी बात के ऊपर लेके आ रहा हूँ कि आपने ध्यान रखना है, मैपिंग अच्छी कर लेनी है कि नॉर्थ टू साउथ, ये तो थोड़ा पता होना चाहिए आपको। मुल्किला कहाँ पे है, देखिए मुल्किला कहाँ पे आपकी, मुल्किला लाहौल स्पीति में, मुल्किला करके आपके पास पीक भी है, ग्लेशियर भी है, ठीक है, तो मुल्किला को लोकेट करूंगा, तो मुल्किला को यहाँ पे लोकेट करूंगा मैं, ये भागा वैली में आ जाती है मुल्किला, टेडी से मुल्किला, ये मुल्किला है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी पीक आ जाती है, सातचू, यहाँ पे इस जगह पे कौन सी पीक आ जाती है, दो पीक्स हैं, शिखर बे एंड मुकर बे, लाहौल स्पीति में मुकर बे, यहाँ पे कौन सी माउंटेन पीक आती है, यहाँ पे आती है पटन वैली पे, त्रिलोकीनाथ धाम जो है उसके बिल्कुल नॉर्दर्न साइड को आती है फाबरंग, यहाँ जैसे लोकेट कर रहा हूँ फाबरंग को, एक और कलर के साथ नोट करता हूँ ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए, हियर इट इज फाबरंग जो नीले डॉट में है, यहाँ पे आपके फाबरंग है, फाबरंग, ठीक है, यहाँ पे कुंजुम ला के मैंने आपको बताया शिगड़ी ला पीक है, ठीक है, जो कुंजुम ला के सामने दिखती है, और यहाँ पर और कांगला, एक कांगला पर्वत है, ठीक है, कांगला भी है, और यहाँ पे माउंट गया मैंने आपको बता दिया लाहौल स्पीति में, सारचू है, लाचा लुंगला भी यहाँ पे आती है, लाचा लुंगला ऊपर नॉर्थ में, लाचा लुंगला, कुछ माउंटेन पीक्स है लाहौल स्पीति की, ठीक है, और भी है, एक दो और भी है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो राल ये आपका जो है मुल्किला कहाँ पे, लाहौल स्पीति में, तो बी का तो आ रहा है 4, और इंद्रासन तो आपका कुल्लू में, तो ए का है 2, और गौरी देवी का टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा बड़ा कंडा, ठीक है, माउंट कैलाश सब पीर पंजाल के हैं, ये तो गौरी देवी का टिब्बा जो है कहाँ पे, चंबा में, चंबा डी का 1st, ठीक है, सी का 3, 4, 2, 1 ऐसे आएगा, ये 3, 4, 2, 1, तो डी सही बैठ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, तो डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अरेंज दीज पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नाउ ये आ गया दोबारा से घुमाने वाला क्वेश्चन, वेस्ट टू ईस्ट आपने अरेंज करने हैं माउंटेन पासेस को, तो आप जहां पे भी हैं, जिस जगह पे भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सो सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, अपने आप को जो है ऑब्जर्व कीजिए कि आप इस चीज को कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, अरेंज दीज पासेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, चंद्रखणी गलू, ये तो बात हमने पहले करी दी इसके बारे में, चंद्रखणी गलू जो है मनाला और नगर को कनेक्ट करता है, तो ये यहाँ पे आ गया, ये वो मैप तो आपके सामने नहीं होगा, आपके पास पिक्चर क्लियर आपके माइंड में ही होनी चाहिए, मैप आपके माइंड में होना चाहिए, इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी हिमाचल ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है, तो चंद्रखणी गलू यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, जब भी आपसे ऐसे पूछेंगे वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ ना, तो ज़्यादा
डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, बहुत क्लोज नहीं पूछेंगे। तो देखिए चंद्रखनी गलू आपका यहाँ पे है, तुलसी पास आपका यहाँ जैसे आएगा, देखिए वेस्ट टू ईस्ट पुल है, तुलसी पास आपका इस कंटेक्स्ट यहाँ पे जैसे आ जाएगा, इस जगह पे तुलसी पास आ जाएगा, ठीक है। चंद्रखनी गलू जो है आपका थोड़ा इस तरफ आएगा, ये थोड़ा मैंने क्लोज पूछ लिया क्योंकि मैंने रैंडम डाला है, ठीक है। तो तुलसी पास आपका मंडी और कुल्लू को कनेक्ट करता है और चंद्रखनी आपका यहाँ आ जाएगा। एंड इंद्राहार आपका यहाँ जैसे त्रियुन से, धर्मशाला से त्रियुन जाते हैं तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। फाइन, इंद्राहार आपका यहाँ पे आ गया, ये इंद्राहार आ गया। और उसके बाद भाभा पास भी बड़ा सिंपल सा है, भाभा पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। भाभा पास तो कि आपकी पीन वैली और भाभा वैली को कनेक्ट करता है किन्नौर में। मीनकियानी पास आपका यहाँ आ गया, ये हुक सी बनी हुई है, ये मीनकियानी पास आ गया, मीनकियानी। तो ये इजी है, देखिए अगर हम चल रहे हैं, हमने वेस्ट टू चल रहे हैं तो सबसे पहले मीनकियानी आएगा, नंबर 5 पे आ जाएगा, उसके बाद आपके पास इंद्राहार आ जाएगा नंबर 3 पे, उसके बाद आपके पास जो है वो कौन सा आ जाएगा, पहले दुलची आ जाएगा, फिर आपके पास जो है वो चंद्रखनी आ जाएगा, ठीक है। दुलची आपका जो है नंबर 2 पे और देन आफ्टर दैट चंद्रखनी, ठीक है। अगर हम देखें ना इसको लॉन्गिट्यूड से, तो पहले दुलची आएगा, फिर आपके पास जो है ये चंद्रखनी आएगा, ठीक है। एंड चंद्रखनी का नाम पे 1, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट 5-3-2-1-4, तो सी इसका सही आंसर होगा, राइट। फाइन, तो आपने अपने आप को ऐसे भी प्रिपेयर करना है। यहाँ पर मैं दुलची और ये मैंने रैंडम डाला था, मैंने ये थोड़ा बहुत क्लोज पूछ लिया है दुलची एंड चंद्रखनी, ठीक है। लेकिन इतना क्लोज आपसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में, आपको थोड़ा गैप में पूछेंगे। अगर आप इनको हटा भी दें तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि मीन क्या नहीं, फिर इंद्राहार आता है, बाबा यहाँ पे आता है, तो मतलब वो बहुत फिर सिंपल हो जाता है सॉल्व करने को, राइट। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द माउंटेन पीक्स। माउंटेन पीक्स के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे गेपंगो कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। गेफंग एक अलग पीक है, गेपंगो एक अलग पीक है, ये सिसु से बिल्कुल नजदीक है, सिसु के नॉर्थ में है, सिसु इज वेरी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आपको पता ही है, ठीक है। तो गेपंगो इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द रियो परगिल, तो रियो परगिल कहाँ किन्नौर में और गेपंगो कहाँ लाहौल स्पीति में, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट तो होगी गलत, लेकिन गलत नहीं है ये, एक्चुअली पूछा क्या है यहाँ पे, लैटिट्यूड पूछा हुआ है, तो गलत कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पे एक्चुअली बताना क्या है कि नॉर्थ में है नहीं है, ठीक है। रियो परगिल आपकी यहाँ पे है, ये रियो परगिल है और गेपंगो आपकी यहाँ जैसे आएगी, तो ऑब्वियसली गेपंगो क्या है, नॉर्थ में ही है, फाइन। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। मंथोसा पीक इज लोकेटेड नियर द विलेज चसक भटोरी। चसक भटोरी अभी रिसेंटली एग्जाम में भी आया था, ये चसक भटोरी न्यूज में भी था, और ठीक है अभी भी सुरुल भटोरी भी न्यूज में है, चसक भटोरी भी न्यूज में है। ये पांगी के विलेजेस में आते हैं जहाँ पे बहुत लोग ज्यादा रहते हैं, ये चसक भटोरी आपके यहाँ जैसे आता है, सुरुल भटोरी आपके यहाँ जैसे आता है, ठीक है। तो मंथोसा पीक आपकी यहाँ जैसे ही है, मंथोसा चंबा में, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड एलिवेशन ऑफ मंडरंग पीक इज लेसर देन माउंट गया की एलिवेशन के बारे में पहले बात भी की थी, ठीक है, 6700 मीटर के आसपास है। तो मंडरंग पीक का जो एलिवेशन है वो लेसर है माउंट गया, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। पीक ककरेड, ये मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से पीक उठा ली है, और ऐसे पूछा भी जा सकता है कई बार, आप एग्जामिनर जो है कुछ भी जो भी उसको मिलता है तो कंटेंट वहाँ पे पुट इन कर देता है, ठीक है। तो ककरेड पीक के बारे में आपने सुना है, अगर नहीं सुना है तो देखिए, ये ककरेड पीक जो है ये कोटधार की सबसे ऊंची पीक है। कोटधार कहाँ पे, बिलासपुर में, और यस द पीक ककरेड इज लोकेटेड इन बिलासपुर एंड कोटधार, ये पीक मैंने पूछ लिया ककरेड, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ऑल आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर हियर, क्वेश्चन नंबर 7। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ दिस पासेस कनेक्ट्स भरमौर एंड लाहौल। अब ये माउंटेन पासेस जो आपने क्या करना है, उनको लेके आना है ऑप्शन में, जो कि मतलब आपके भरमौर और लाहौल को कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। अब देखो कुछ माउंटेन पासेस मैंने यहाँ पे मैं लेके आया हूँ जो पहले क्वेश्चन में नहीं थे। कथीकुरी पास अगर आपने सुना है, कथीकुरी, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कथीकुरी पास जो है कहाँ पे है, मैं लोकेट करूँ, यहाँ पे ऐसे आता है कथीकुरी पास, ठीक है, मनाली पास के साउथ में कथीकुरी पास। तो ये तो कांगड़ा और कुल्लू को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो ये तो यहाँ से सीधा हट जाएगा। कुट्टी पास यहाँ पे आ जाता है, कुट्टी पास, ये भरमौर और लाहौल को, बिल्कुल ये भरमौर वाले रीजन आ जाते हैं आपके, ये लाहौल वाले आ जाते हैं, तो भरमौर लाहौल को कनेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही है। दो नंबर यहाँ पे हम लेके आएंगे। तामसर पास वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इस चीज के लिए। तामसर पास बड़ा बंगाल और कांगड़ा को कनेक्ट करता है, बड़ा बंगाल आपका यहाँ पे है,
ये बड़ा बंगाल है और ये आपका रेस्ट ऑफ कांगड़ा वैली है, तो ये मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज योर तामसर पास राइट हियर, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, भरमौर लाहौल की हम बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कट जाएगा। बुरासु पास कहाँ है? बुरासु पास नंबर चार यहाँ पे आ जाएगा, बुरासु पास नंबर फोर, ठीक है। तो ये गढ़वाल की और किन्नौर की कनेक्टिविटी करता है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, इसको हमने हटा दिया यहाँ पे। पशुधन पास, पशुधन पास आपका यहाँ पे धौलाधार में, ये आपका भटियात वाले रीजन और चंबा वाले रीजन को कनेक्ट करता है, ये आपका नंबर फाइव यहाँ पे पशुधन पास, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। कालीचु पास, ये ऊपर आ जाएगा कालीचु पास, जहाँ से हम भरमौर से अगर हमने त्रिलोकीनाथ जाना है तो कालीचु पास हम फॉलो करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इफ़ वी वॉन्ट टू गो राइट फ्रॉम भरमौर टू त्रिलोकीनाथ धाम ऑफ पटन वैली, देन वी विल फॉलो दी कालीचु पास, ये भी भरमौर और लाहौल को कनेक्ट करता है, तो नंबर छः भी आ जाएगा। मतलब इसमें तो 216 ओनली हुआ, डी इज दी राइट आंसर, फाइन। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आपने बताना है कि जो करेक्ट है, ठीक है, इन पासिस के रिगार्डिंग। सो पासिस भी हैं, कुछ माउंटेन पीक भी हैं, ठीक है, तो ये पास मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, मार्क द ऑप्शन फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, मार्क फॉर द करेक्ट ऑप्शन। नाउ बड़ा लाचला पास इज द मेन गेटवे टू लेह फ्रॉम लाहौल, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा लाचला पास है, ये लाहौल है, लाहौल और ये लेह का आपको पता ही है हाईवे, ठीक है, बड़ा लाचला पास मेन गेटवे माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। शिंकुला पास इज आल्सो नोन विद द नेम पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट, ये बिल्कुल गलत है भाई, बारह लाचला को बोलते हैं क्रॉस रोड ऑन समिट, क्यों बोलते हैं, देखो ये कंसिडर करो बारह लाचला पास है, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस सा बनता है, ठीक है, इधर वन कैन गो टू स्पीति, इधर वन कैन गो टू जांस्कर एरिया, जांस्कर एरिया ऑफ योर लद्दाख, एंड इधर वन कैन गो टू केलोंग, लाहौल, मनाली, और इधर वन कैन गो टू लेह। तो क्रॉस रोड ऑन समिट वाला जो पार्ट है वो किसका है, शिंकुला पास का नहीं है, शिंकुला पास का नहीं है, इट इज बारह लाचला पास, इसको बोलते हैं क्रॉस रोड ऑन समिट। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, गलत हुई, शिंकुला पास कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे, ठीक है, फाइन। जो आपकी दारचा से कारगिल की कनेक्टिविटी करता है, कर रहा है, टनल बनने वाली है यहाँ पे, टनल की लेंथ कितनी है, बड़ी न्यूज में चल रही है, तो टनल की कितनी लेंथ है, और जो सबसे हाईएस्ट टनल होने वाली है यहाँ पे लिखा भी गया है, फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है, यू शुड नो। और थर्ड क्या है, सारचू पीक इज द पार्ट ऑफ जांस्कर रेंज, बिल्कुल ठीक है, ये सारचू पीक आपकी यहाँ जाती है, तो जांस्कर रेंज का ही पार्ट है सारचू पीक, और शिंकुला टनल जो है इस 4.25 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए इतनी है या नहीं है, एंड इट वुड बी द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ये तो बिल्कुल सही है, इट वुड बी द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल होगी ये, ठीक है, बट क्या ये इतनी ही लंबी है, तो हाँ बिल्कुल ठीक, इतनी लंबी टनल बन रही है, ठीक है, यहाँ पे बन रही है, और शिंकुला पास का एलिवेशन 5100 मीटर के आसपास है, तो इससे पहले अभी अटल टनल बनी है, ठीक है, वो 4000 नीचे के एलिवेशन पे बनी है, ठीक है, तो ये अब सबसे ऊंची टनल जो है बनने वाली है, लंबी टनल बनने वाली है, सबसे ऊंची जगह, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, नंबर चार सही है, नंबर तीन सही है, नंबर टू गलत है, नंबर वन सही है, वन थ्री एंड फोर ओनली। अगर बारह लाचला पास द मेन गेटवे टू लेह फ्रॉम द लाहौल, अगर करेक्ट पूछे तो ये भी सही आएगा, ठीक है, एंड शिंकुला पास इज नोन बी द नेम, ये गलत हो जाएगा, तो वन थ्री एंड फोर है, यहाँ पे इस ऑप्शन में थोड़ी गलती है, वन थ्री एंड फोर करके आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी अगेन, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी गलती आई है, ठीक है, बट लेकिन मेरा पर्पस आपको सही तरह का कंटेंट देना है, सही यहाँ पर जो चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो एग्जामिनेशन से ओरिएंटेड से इंपॉर्टेंट है, सो वो मैं बताना चाहता हूँ, आई होप कि यहाँ से आपने चीज़ें पकड़ ली होंगी, ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। जांस्कर पास और शिंकुला पास इज द पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय रेंज, एक और एचएस प्रीलिम में पूछा गया था कि जांस्कर पास जो है और किसका नाम है, या शिंकुला पास का एक और नाम क्या है, दैट इज जांस्कर पास, ठीक है, ध्यान रखना है, इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय रेंज, नहीं, इज द पार्ट ऑफ नॉट ग्रेटर हिमालय रेंज, बट इट इज द पार्ट ऑफ योर जांस्कर रेंज, जांस्कर, ठीक है, ये गलत होगी स्टेटमेंट। सेकंड, बारह लाचला पास इज द हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास ऑफ एचपी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास ऑफ बन रहा है, कौन सा बन रहा है, शिंकुला बन गया है, शिंकुला 100 मीटर के आसपास, ठीक है, एंड टिकलिंगला पास मे बी कंसीडर्ड एज द एंट्री पॉइंट टू लुगनक वैली इन जांस्कर, ये गलत हो गया, टिकलिंगला पास जो है आपका स्पीति, ये आपका स्पीति और लद्दाख की कनेक्टिविटी करता है, टिकलिंगला पास के पास में ही जो पास माउंटेन पास एक और आ जाता है, दैट इज योर रांगला पास,
ये भी आ जाता है। प्रांगला पास इज द हाईएस्ट माउंटेन पास, इसकी एलिवेशन 5580 मीटर है, 5580 मीटर, और टिकलिंगला की 5575 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो टिकलिंगला पास और प्रांगला पास एक ही जगह पे आते हैं, स्पीति और लद्दाख की कनेक्टिविटी करते हैं, तो ये कहीं पे भी सही नहीं होता। लगरंग वैली को जो कनेक्ट करता है, झांसकर वाली रीजन की लगरंग वैली को जो कनेक्ट करता है वो शिंकुला पास है। लाहौल से अगर हम जा रहे हैं लगरंग वैली ऑफ झांसकर, तो वो कौन सा पास है, दैट इज शिंकुला पास, याद रखिए शिंकुला पास करता है कनेक्ट शिंकुला पास। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर मैं देखूँ तो देखो आपका इस मैप में यहाँ पे शिंकुला पास है, ये वैसे कारगिल की कनेक्टिविटी तो करता ही करता है, लेकिन कारगिल से पहले यहाँ पे झांसकर के जो एरिया है लगनक, ठीक है, लुकनक एरिया, और टिकलिंगला पास आपका यहाँ, जैसे ये टिकलिंगला है, ये प्रांगला है, इकट्ठे इकट्ठे हैं टिकलिंगला प्रांगला, और प्रांगला इज द हाईएस्ट माउंटेन पास, हाईएस्ट माउंटेन पास है। लेकिन अगर मोटरेबल माउंटेन पास की बात होगी तो दैट इज योर शिंकुला पास, मोटरेबल जहाँ पे गाड़ी जा सकती है, तो अपने इस कंटेक्स्ट से इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ये भी आपके पास क्या है, गलत है, और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो नन ऑफ दीज पूछा है करेक्ट, तो नन ऑफ दीज मतलब डी, जैसा कि आंसर यहाँ पे सामने था ही था, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। सो दिस आर द क्वेश्चन, फाइन, सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू जो कंटेंट बताया वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आगे आने वाले सेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो इंपॉर्टेंट की एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके साथ में डिस्कस करूँ, और आपकी कमांड और अच्छी से बन जाए हिमाचल जीके के ऊपर। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर 40 नंबर का हिमाचल जीके का सेशन प्रीलिम में आता है तो उसमें से एटलीस्ट आप 35 तक स्कोर कर जाएं, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।